फ्रेंड्स सब्सक्राइब कीजिए वाईफाई स्टडी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एग्जाम वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग प्रेजेंट्स करंट अफेयर 2017 दिसंबर थर्ड वीक इन हिंदी। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए लेके आया हूँ करंट अफेयर कंप्लीट थर्ड वीक ऑफ दिसंबर से, जो कि आप सभी के लिए आने वाले पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करते हैं इस वाले सेशन के अंदर आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। साथ में इस वीडियो के अंदर मैं आपसे कंप्लीट डिस्कस करूंगा नेशनल, इंटरनेशनल, ट्रेड इन बैंकिंग, इकोनॉमिक्स, स्पोर्ट्स, एवरीथिंग जो कि आपके पेपर के लिए रेलिवेंट है, इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके पेपर में आ सकता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना, साथ में यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, ताकि आपको ऐसे ही अच्छे वीडियोज़ मिलते रहें। सो सबसे पहले देखते हैं इंटरनेशनल सेक्शन, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि फर्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर चार स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा वाला सही है। फर्स्ट है कि WTO की मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुई है कहाँ पर, डर्बन में, साउथ अफ्रीका में। सेकंड स्टेटमेंट है WTO क्या है, एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि रेगुलेट करता है इंटरनेशनल ट्रेड। थर्ड है जो बिगेस्ट टेक अवेज कॉन्फ्रेंस हुआ है वो क्या हुआ है कि सिक्योर करिए लोगों ने फिश को लेकर सब्सिडीज। चौथा क्या है कि WTO ऑफिशियली कमेंस्ड ऑन 1 January 1995 अंडर द मैरकेश एग्रीमेंट साइन बाय 123 नेशंस ऑन 15 April 1994 रिप्लेसिंग द जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड। तो देखिए ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, इसको रिप्लेस करके बनी थी WTO, और कब बनी थी, 1994 में बनी थी, और यहाँ पे 123 देशों ने साइन की थी इस एग्रीमेंट को। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपके जो तीनों स्टेटमेंट है वो सही है, कौन से वाले, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जो ये मीटिंग हुई है मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस, ये कहाँ पे हुई है, ये अर्जेंटीना के अंदर हुई है, और यहाँ पे आपके क्या है, साउथ अफ्रीका है। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट आपका गलत है, बाकी सेकंड, थर्ड और फोर्थ यानी कि जो आपका आंसर होना चाहिए वो आपका बी सही आंसर होना चाहिए। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। साथ में WTO के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है, इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है और ट्रेड को बढ़ावा देती है, रेगुलेट करती है। 94-95 में इसको स्टार्ट किया गया था, 94 या फिर 95, आप दोनों इसको लिख सकते हैं, जैसे कि ऊपर देख रहा है आपको एग्रीमेंट साइन हुआ था। इसके बाद में इसका हेडक्वार्टर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 164 इसके मेंबर्स है, प्रेजेंटली इसके 164 मेंबर्स है, ये भी आपको ध्यान रखना है, अलॉन्ग विथ कि इसके डायरेक्टर जनरल कौन है, वो है रोबर्टो अज़ेवेडो, रोबर्टो इसके डायरेक्टर जनरल है, ये नाम भी आपको ध्यान रखना है, WTO का पेपर में कई बार पूछ लेते हैं, और जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। तो ये चीज़ भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वो इसका बी सही आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, इंटरनेशनल माइग्रेंट डे इज ऑब्जर्व ऑन 18 दिसंबर एवरी ईयर, व्हाट इज द थीम ऑफ दिस ईयर। तो फ्रेंड्स, इस साल क्या हुआ है कि जो इंटरनेशनल माइग्रेंट डे है उस साल की थीम आपको बतानी है। देखिए ये किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है, 18 दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। अब इस साल की थीम आपको बतानी है जो कि क्या है, सेफ माइग्रेशन इन द वर्ल्ड ऑन द मूव। तो यहाँ पे जो आपका आंसर है ना वो आपका बी सही आंसर है। इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे फ्रेंड्स उन लोगों के लिए बनाया गया है जो कि रिफ्यूजीज हैं, जो कि उनके जो राइट्स हैं वो उनको मिलते नहीं हैं, तो उनको प्रिजर्व करने के लिए इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे ऑब्जर्व किया गया है 18 दिसंबर को, और इस साल की थीम भी आपके लिए ज़रूरी है। और अपॉइंट किसने, कौन, किसके द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था, यूनाइटेड नेशन के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था, जनरल असेंबली ने इसको रिकग्नाइज किया, और उसके बाद में 18 दिसंबर को हमने ऑब्जर्व किया इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे। तो ये सब चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज अप्रूव्ड अ लॉ बैनिंग ऑल एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ ऑयल एंड नेचुरल गैस बाय 2040 विद इन द कंट्री एंड इट्स ओवरसीज टेरिटरीज। तो देखिए कौन सा देश है जिसने एक लॉ बनाया है कि वो 2040 तक किसी भी तरीके का जो ऑयल या नेचुरल गैस है उसका एक्सप्लोरेशन या फिर प्रोडक्शन करेगा या नहीं करेगा, वो बैन करेगा इस चीज़ को, 2040 तक किसी भी तरीके का एक्सप्लोरेशन या प्रोडक्शन नहीं करेगा किसी चीज़ का, ऑयल और नेचुरल गैस का। तो ये दुनिया में पहला देश है और पहला ऐसा लॉ बनाया गया है दुनिया में इस तरीके का कि किसी देश ने ऑयल और नेचुरल गैस के प्रोडक्शन पर या फिर एक्सप्लोरेशन के ऊपर बैन लगा दिया हो। तो ऐसा करने वाला कौन सा देश है, फ्रांस है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वो उसका डी सही आंसर है, फ्रांस की पार्लियामेंट ने बैन कर दिया है 2040 तक अपने नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करना, ताकि फ्यूचर में कंजर्व रख सके और इसको बाद में काम में ले सके, और दुनिया में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई देश ने ऐसा किया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन पास्ड ए मेजर रिजेक्टिंग द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन रिकग्नाइजेशन ऑफ जेरूसलम एज इजराइल कैपिटल। तो कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने पास किया है मेजर और रिजेक्ट कर दिया है ट्रंप का एडमिनिस्ट्रेशन का रिकग्नाइजेशन, जो उन्होंने जेरूसलम को इजराइल की कैपिटल के तौर पर एक्सेप्ट किया था। तो आपको पता है कुछ टाइम पहले डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया था, एक्सेप्ट कर लिया था जेरूसलम को एज ए इजराइल कैपिटल, जो कि क्या हो रहा है कि इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में बहुत बड़ा इशू है। कुल मिला के हम इसे देखें तो दो तरीके की लड़ाई है, एक तो इजराइल अमेरिका और दूसरे अरब देशों के बीच में। तो यहाँ पे जो ये एडमिनिस्ट्रेशन का, जो ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन ने जो फैसला लिया था उसको रिजेक्ट कर दिया है किसने, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने।
यहाँ पे वोटिंग हुई और यहाँ पे वोटिंग में देखिए 128 देशों ने क्या कर दिया है, जेरूसलम को एक्सेप्ट नहीं किया है और सिर्फ 9 देशों ने किया है। भारत किसके अंदर है, 128 देशों के अंदर, यानी कि भारत ने भी इसराइल का और यूएस का सपोर्ट नहीं किया। और कई बार इसको लेकर अभी हमारे देश में डिबेट भी छिड़ी हुई है कि क्यों नहीं किया, जबकि हमारे इसराइल से जो टाइप है वो बहुत स्ट्रांग टाइप है। इसराइल एकमात्र ऐसा देश रहा है जिसने 1999 की वॉर में इंडिया का साथ दिया, 1962 की वॉर में साथ दिया, हमेशा इसराइल ने साथ दिया, इवन दो इसराइल क्यों जेरूसलम को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका एक स्ट्रैटेजिक जो पॉइंट है वो ये है कि इसराइल को भारत चाहता है कि इसराइल के साथ में और ईरान के साथ में दोनों के साथ में रिलेशन एक्सेप्ट दोनों के साथ में एस्टैब्लिश करना, और ईरान भी इसके अपोज में है, वो भी नहीं चाहता कि जेरूसलम को इसराइल की कैपिटल एक्सेप्ट किया जाए क्योंकि वो फिलिस्तीन की सपोर्ट में है। और आपको पता है ईरान के अंदर भारत का जो इम्पोर्टेंट पोर्ट है चाबहार पोर्ट जो कि रिसेंटली स्टार्ट किया गया है वो वहाँ पे बना हुआ है। तो अरब देशों के बीच में सबसे ज़्यादा जो भारत का स्ट्रांग होल्ड है वो ईरान ही है, तो भारत कभी नहीं चाहेगा कि ईरान के साथ में उसको डिसअपॉइंट करे। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए भारत ने 128 देशों का सपोर्ट किया और क्या किया, ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन को रिकग्नाइज नहीं किया, रिजेक्ट कर दिया। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और यहाँ पर जो आपका आंसर होगा, कौन सी असेंबली ने किया है, जनरल असेंबली ने किया है, तो सी इसका सही आंसर है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने ये वोटिंग करवाई थी जहाँ पे ये पास नहीं किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि नेशनल से है। चार स्टेट, तीन स्टेटमेंट आपके सामने, आपको बताना है कौन सा सही है। फर्स्ट है कि फोर्थ इंडियन ऑस्ट्रेलियन जापान ट्राइलेटरल मीटिंग हुई है न्यू दिल्ली में, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इशू क्या है, काउंटर करना टेररिज्म को, इकोनॉमिक कोऑपरेशन और साथ में मैरिटाइम सिक्योरिटी, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तीसरा है कि रशिया और इंडिया ने सपोर्ट किया है और कॉपरेट किया है किसको, चाइना को, किस चीज़ को लेकर, चेयर को लेकर SCO की और साथ में होस्टिंग को लेकर 2018 की। तो तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है फ्रेंड्स, और आपका जो आंसर है वो डी होना चाहिए। तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो 15th मीटिंग हुई थी, जो 14th मीटिंग हुई है इंडिया ऑस्ट्रेलिया जापान की, तो फोर्थ मीटिंग है ये, 14th नहीं है, फोर्थ मीटिंग है इंडिया ऑस्ट्रेलिया जापान की, ट्राइलेटरल मीटिंग है जो कि न्यू दिल्ली में हुई है। साथ में इंडिया और रशिया ने सपोर्ट किया है किसको, चाइना को, चेयर को लेकर SCO की, जिसका भारत भी एक मेंबर है, पाकिस्तान में रिसेंटली मेंबर बना था कुछ टाइम पहले, ऑब्जर्वर्स है, और साथ में होस्टिंग को भी लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, छह स्टेट्स हैं, आपको बताना है कौन से स्टेट को बेनिफिट मिल रहा है BADP से, यानी कि बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम से। अब ये जो होम मिनिस्ट्री ने अभी रिसेंटली क्या किया, 225 करोड़ रुपये का एक बजट एलोकेशन किया है 6 स्टेट को, ताकि उनके जो इंटरनेशनल बॉर्डर है ना वहाँ पर डेवलपमेंट हो सके, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो सके। तो यहाँ पर 6 जो स्टेट्स हैं ना वो यही स्टेट्स हैं जो कि आपके सामने मेंशन है, आसाम, गुजरात, हिमाचल, मणिपुर, UP एंड वेस्ट बंगाल। तो यहाँ पे आपका जो आंसर होगा ई इसका सही आंसर होगा, जहाँ पे ये फंडिंग को रिलीज किया गया है, जो कि हम चाहते हैं कि हमारे इंटरनेशनल जो बॉर्डर हो ना वो काफ़ी मजबूत हो जाए और वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड हो जाए, इसीलिए होम मिनिस्टर ने ऐसा किया है। आपको बताना है कौन से सिटी के अंदर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने इनॉग्रेट किया है वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस वेदास के ऊपर। तो यहाँ पे देखिए जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा, यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो न्यू दिल्ली होगा, क्योंकि न्यू दिल्ली के अंदर ही इसको कॉन्फ्रेंस को इनॉग्रेट किया गया है, और इसका नाम क्या है, विश्व वैद्य सम्मेलन, ये इसका नाम था जो कि न्यू दिल्ली के अंदर इसको स्टार्ट किया गया है। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है, हमारे वाइस प्रेसिडेंट इस बार कौन है, वेंकैया नायडू हैं। तो इन्होंने इसको क्या किया है, इसको इनॉग्रेट किया है, और न्यू दिल्ली के अंदर ये कॉन्फ्रेंस हुई है, वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन वेदास। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए, तीन स्टेटमेंट है। फर्स्ट है कि यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है कंटिन्यूएशन किसका, नॉन लैप्सेबल सेंट्रल पूल ऑफ रिसोर्सेज का, और यहाँ पे फंडिंग पैटर्न क्या कर रहा गया है, 90s to 10 का किया गया 2020 तक। यूनियन कैबिनेट ने जो अप्रूव किया इसमें इंट्रोड्यूस करी है नई स्कीम्स, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम, जिसमें 100% फंडिंग होगी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, और ये जो NESIDS है, नॉर्थ ईस्ट स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम है, ये सिर्फ स्ट्रेंथ नहीं करेगी हेल्थ केयर और एजुकेशन फैसिलिटी, लेकिन वहाँ के टूरिज्म को भी एनकरेज करेगी, यूथ को अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करेगी। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो तीनों स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है, तो यार आपका जो आंसर होना चाहिए वो क्या, डी इसका आंसर होना चाहिए। यूनियन कैबिनेट जो PM नरेंद्र मोदी जी के हेड है, उन्होंने अप्रूव किया है NLCPR स्कीम, जो कि इसमें फंडिंग है वो 90s to 10 की होगी 2020 तक, जहां पे साथ में इसके नई स्कीम भी एड ऑन करी गई है नॉर्थ ईस्ट स्पेशल रीजन को लेकर, जहां पे 100% फंडिंग मिलेगी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, जहां पे हेल्थ केयर, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट सभी चीज़ों को लेकर वहां पे मदद करी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपसे पूछा जा सकता है, वो है कि इन विच सिटी रक्ष्य राज्य मंदिर डॉक्टर सुभाष भामरे इनॉग्रेटेड है 4th Day 49 एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑफ द सोसाइटी ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन इंडिया SHINMEECON। तो देखिए अभी रिसेंटली सोसाइटी फॉर न्यूक्लियर मेडिसिन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई है, जिसका नाम क्या होता है, SHINMEECON है, और इसको डॉक्टर सुभाष जी ने इसको इनॉग्रेट किया है, और कहाँ पर किया है, न्यू दिल्ली के अंदर किया है।
तो आपका जो आंसर है वो यहाँ पे सी इसका सही आंसर है। तो आपको सिर्फ इसमें जो ध्यान रखना है वो इस कॉन्फ्रेंस का नाम ध्यान रखना है और ये कॉन्फ्रेंस कहाँ पर हुई है, न्यू दिल्ली के अंदर हुई है। तो इतनी सी चीज़ आपको ध्यान रखनी है और कई सारे यहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी को बढ़ाने को लेकर, क्योर को लेकर डिजीजेस को, और साथ में ह्यूमन बॉडी को एबिलिटी को बढ़ाने को लेकर यहाँ पे बातचीत करी गई। इन विच सिटी इंटरनेशनल ट्रेनिंग सेंटर फॉर ऑपरेशनल ओशनोग्राफी एज ए कैटेगरी 2 सेंटर ऑफ यूनेस्को विल बी एस्टैब्लिश। तो कौन से सिटी के अंदर इंटरनेशनल ट्रेनिंग सेंटर बनाया गया ऑपरेशनल ओशनोग्राफी को लेकर? तो देखिए यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा, हैदराबाद इसका सही आंसर होगा। तो यानी कि ई आपका सही आंसर है, क्योंकि यूनियन कैबिनेट जिसके चेयरमैन कौन है, पीएम नरेंद्र मोदी है, उन्होंने अप्रूव किया एस्टैब्लिशमेंट किस चीज़ का, इंटरनेशनल ट्रेनिंग सेंटर फॉर ऑपरेशनल ओशनोग्राफी का, और कैटेगरी 2 का है किसका, यूनेस्को का। तो यहाँ पे एग्रीमेंट किया गया है, ट्रेनिंग सेंटर बनाया गया है ताकि जो इंडियन ओशन रिम कंट्रीज हैं और साथ में जो अदर इंडियन और अटलांटिक ओशन कंट्रीज है, स्मॉल आइलैंड्स हैं, वो सभी मिलकर काम कर सके यूनेस्को के फ्रेमवर्क में। अब यहाँ पे आपके लिए जो एक चीज़ इंपॉर्टेंट आती है वो आती है निकल के कि इंडियन ओशन रिम ऑर्गेनाइजेशन क्या है ये। तो देखिए ये बहुत सारे देश है जो कि इंडियन ओशन से अटैच्ड है, अफ्रीका के भी कुछ देश हैं, इंडिया तो है ही, साथ में साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है। तो ये सारे देशों ने मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बना रखी है जिसका नाम है इंटरनेशनल रिम ऑर्गेनाइजेशन। 21 स्टेट्स इसके मेंबर हैं। सेक्रेटरी जनरल कौन है, के वी भागीरथ क्या है, अभी यहाँ पे सेक्रेटरी जनरल है। चेयर किसके पास है, इंडोनेशिया के पास, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के पास में होगी। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि आपसे पूछा गया कि कौन से सिटी के अंदर वेंकैया नायडू जी जो कि हमारे वाइस प्रेसिडेंट है उन्होंने इनॉग्रेट किया है वर्ल्ड तेलुगु कॉन्फ्रेंस। तो वर्ल्ड तेलुगु कॉन्फ्रेंस भी ये हैदराबाद में ही हुई है। तो आपके दोनों के आंसर क्या है, हैदराबाद थे पिछले वाले के भी और इसके भी, लाल बहादुर स्टेडियम है वहाँ पे इसको स्टार्ट किया गया और 400 डेलीगेट्स 42 कंट्रीज से उन्होंने पार्टिसिपेट किया इस कॉन्फ्रेंस के अंदर। और यहाँ पे जो गवर्नर थे तेलंगाना के ESL नरसिम्हन, महाराष्ट्र के गवर्नर थे विद्यासागर राव, ये सब भी वहाँ पे अवेलेबल थे, उनके साथ में इस कॉन्फ्रेंस को इनॉग्रेट किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए कि कौन से विच प्रोजेक्ट ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद वॉज इनॉग्रेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्री रामनाथ कोविंद। तो कौन से प्रोजेक्ट हाई कोर्ट के इलाहाबाद के इनॉग्रेट किया गया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा? तो देखिए इसका जो नाम है ना वो है नयाया ग्राम प्रोजेक्ट। नयाया ग्राम ये इस प्रोजेक्ट का नाम है जो कि इनॉग्रेट किया गया है हमारे प्रेसिडेंट के द्वारा, और ये प्रोजेक्ट किसका है, हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद का है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो आपका यहाँ पर जो आंसर है वो आपका बी इसका सही आंसर, नयाया ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी एक्सरसाइज कंडक्ट कराई गई है, मिलिट्री एक्सरसाइज इंडिया और मालदीव के बीच में? तो देखिए मैं आपसे कई बार डिस्कस कर चुका हूँ प्रीवियस वीडियोस में इंडिया की कंप्लीट एक्सरसाइज 2017 के मिलिट्री एक्सरसाइजेस, तो जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। और यहाँ पे आज जो हम बात कर रहे हैं वो इंडो मालदीव्स की बात कर रहे हैं। तो उस एक्सरसाइज का नाम है इक्यूवेरिन। तो एक्सरसाइज इक्यूवेरिन है जो कि स्टार्ट करी गई है और आपका यहाँ पे जो आंसर है वो ए इसका सही आंसर है, और ये किसके बीच में है, इंडिया और मालदीव्स के बीच में है। तो ये सब आपके लिए ध्यान रखना है। और आपके लिए जितने भी मिलिट्री एक्सरसाइजेस होती है फ्रेंड्स, जैसे कि मित्र शक्ति है, इंदिरा है इंडिया और रशिया के बीच में मित्र शक्ति है, सूर्य किरण है इंडिया नेपाल के बीच में मित्र शक्ति, श्रीलंका फ्रांस जितने भी ये सब है वो सब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज बिकेम फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू ऑपरेशनलाइज अ लॉ दैट मेक्स सोशल ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट प्रोग्राम एंड स्कीम ए पार्ट ऑफ गवर्नमेंट प्रैक्टिस। तो कौन सा देश का पहला ऐसा स्टेट है जिसने क्या कर दिया है, लॉ बना दिया है कि गवर्नमेंट की जो प्रोग्राम्स है उसका सोशल ऑडिट किया जाएगा, उसका क्या करा जाएगा, ऑडिट किया जाएगा गवर्नमेंट प्रैक्टिस का। तो ऐसा करने वाला देश का जो पहला स्टेट है वो कौन सा, मेघालय। तो मेघालय देश में ऐसा पहला स्टेट बनाया जिसने ऐसा लॉ बनाया है कि गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स को भी गवर्नमेंट क्या करेगी, खुद उसको ऑडिट करेगी ताकि देखा जा सके कि कौन से प्रोग्राम से कितना फ़ायदा हो रहा है। चीफ मिनिस्टर आपको ध्यान रखना है मेघालय के कौन है, मुकुल शर्मा जी है, और साथ में आपको वहाँ के जो गवर्नर है वो भी ध्यान रखना है कौन है, गंगा प्रसाद जी वहाँ के गवर्नर है। तो ये दो चीज़ें भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि आपसे पूछा गया था, यहाँ पर जो आपका आंसर होगा क्या होगा, मेघालय आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि आपसे पूछा गया, इन विच सिटी पीएम नरेंद्र मोदी हैज इनॉग्रेटेड अ 60 मेगावाट ट्रूनल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। तो देखिए 60 मेगावाट का एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है जो कि स्टार्ट किया गया जिसका नाम है टू रियल हाइड्रो प्रोजेक्ट। और ये कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया, ये इनॉग्रेट किया गया मिजोरम के अंदर। तो यहाँ पे जो आपका आंसर है वो क्या है, आइजोल, जो कि उसकी कैपिटल है मिजोरम की, मिजोरम के जो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसको बढ़ावा देने के लिए ऐसा किया गया है उस स्टेट के अंदर। साथ में यहाँ पे जो गवर्नर है वो कौन है, निर्भय सिंह है, जो कि आपको ध्यान रखना है। साथ में चीफ मिनिस्टर कौन है, लाथन हावला जी यहाँ पे चीफ मिनिस्टर है। तो ये दो इन्फॉर्मेशन भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, भारत कौन सी पोजीशन में प्रोडक्शन ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स एंड फ्रूट्स के नाम पे?
तो ये चीज़ आपको बतानी है। अब देखिए यहाँ पे आपको हॉर्टिकल्चर की बात कर रहे हैं कि दुनिया में भारत कौन सा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है हॉर्टिकल्चर क्रॉप का और फ्रूट का। तो हमारे जो यूनियन एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर मिनिस्टर है श्री राधा मोहन सिंह, उन्होंने अभी रिसेंटली इस चीज़ को शेयर किया था हमारे देश के साथ में कि भारत दुनिया में सेकेंड नंबर के पोजिशन पर है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है ना वो आपका बी सही आंसर होगा। चाइना नंबर वन पोजिशन पर और सेकेंड नंबर पर भारत है प्रोडक्शन ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स और फ्रूट्स को लेकर। साथ में एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने कहा कि वर्ल्ड ऑरेंज डे इस बार नागपुर में मनाया गया 17 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन विच स्टेट अर्थक्वेक मॉक एक्सरसाइज टू बी हेल्ड ऑन December 21, 2017 अक्रॉस द स्टेट। तो कौन से स्टेट के अंदर एक एक्सरसाइज करी गई अर्थक्वेक को लेकर कि अगर अर्थक्वेक आता है तो किस तरीके से क्या किया जाएगा, ऑपरेशन चलाया जाएगा ताकि सबसे कम जान और वहाँ पर माल का नुकसान हो। तो देखिए यहाँ ऐसा करने वाला कौन सा स्टेट है, हरियाणा है। तो आपका यहाँ पर जो आंसर है उसका बी सही आंसर है। हरियाणा ने ऑलरेडी अपने प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग करते हुए अर्थक्वेक का मॉक एक्सरसाइज कंडक्ट कराई है 21 दिसंबर को। तो ये से आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पेपर में आपसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं जो कि पूछा गया 7 डे इंटरनेशनल हर्बल फेयर कहाँ पे ऑर्गेनाइज कराया गया। तो इंटरनेशनल हर्बल फेयर जो ये करवाया गया ये भोपाल के अंदर करवाया गया। तो आपका जो आंसर होगा यहाँ पे ई इसका सही आंसर होगा भोपाल। साथ में भोपाल किसकी कैपिटल है, मध्य प्रदेश की है। और साथ में आपको यहाँ के गवर्नर चीफ मिनिस्टर भी ध्यान रखना है, गवर्नर कौन है एमपी के, ओम प्रकाश कोहली है जिनको एडिशनल चार्ज दिया हुआ है, और चीफ मिनिस्टर यहाँ पे शिवराज सिंह चौहान है। तो ये सब आपके लिए ध्यान रखना है। और यहाँ पे कई सारे डेलीगेशन आए भूटान से, नेपाल से, मलेशिया, श्रीलंका से, किसमें इंटरनेशनल हर्बल फेयर के अंदर। नेक्स्ट सवाल है जो विन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट चीफ मिनिस्टर हैज इनॉग्रेटेड द ट्राइबल स्पोर्ट्स मीट 2017 फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इवेंट इन द कंट्री टू प्रमोट स्पोर्ट्स अमंग ट्राइबल्स। तो कौन सा ऐसा चीफ मिनिस्टर है, कौन से ऐसे चीफ मिनिस्टर है जिन्होंने अपने जो ट्राइबल स्पोर्ट्स मीट कराई है ताकि जो ट्राइबल लोग हैं वहाँ पे भी स्पोर्ट्स को कल्चर को बढ़ावा मिल सके, वो लोग भी स्पोर्ट्स में आगे बढ़ सके। तो इस चीज़ को लेकर उन्होंने एक स्पोर्ट्स मीट वहाँ पे करवाई है। तो आपको बताइए जब हम ट्राइबल कल्चर की बात करते हैं तो हमारे नॉर्थ ईस्ट इंडिया हुआ, साथ में उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, ये सारे स्टेट सबसे पहले दिमाग में आते हैं। तो इन्हीं में से आपका आंसर होगा और सही आंसर क्या है, उड़ीसा आपका सही आंसर है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वो डी है जो कि उड़ीसा है। तो उड़ीसा के जो सीएम कौन है इस वक्त राइट नाउ नवीन पटनायक है, और गवर्नर कौन है एससी जामिर, वहाँ के कौन है गवर्नर है जिन्होंने वहाँ पे क्या कराया, अभी उड़ीसा ने के सीएम ने इनॉग्रेट किया है ट्राइबल स्पोर्ट्स मीट 2017। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुजरात स्टेट असेंबली की सीट्स बतानी है। तो आपको पता ही है रिसेंटली क्या हुआ है, गुजरात के अंदर, गुजरात और हिमाचल दोनों के अंदर इलेक्शन जीत लिए बीजेपी ने, और लगातार कांग्रेस की रिकॉर्ड हार वहाँ पे दर्ज हुई है। लगातार आई गेस 27 और 25 लगातार डिफीट मिली है कांग्रेस को, और यहाँ पे बीजेपी ने कितनी 99 सीटें जीती है और कांग्रेस ने 79 सीटें जीती है। तो कांग्रेस ने अच्छी खासी टक्कर दी गुजरात में बीजेपी को, और टोटल कितनी 182 असेंबली सीट्स है वहाँ पे। तो आपका जो आंसर होगा वो वहाँ पे सी आपका सही आंसर होगा। और हिमाचल के अंदर 44 सीटें हैं वो बीजेपी को मिली है, 21 कांग्रेस को मिली है, टोटल कितनी 68 सीटें हैं। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि आपसे पूछा गया, जो कि आपसे पूछा जा सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू एस्टैब्लिश अ सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर चिल्ड्रन एज वेल एज गेमिंग फॉर ई लर्निंग हब इन एसोसिएशन विद द यूनेस्को MGIEP। आज सबसे पहले तो समझिए कि MGIEP क्या है, ये क्या है, महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन फॉर पीस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एक तरीके की ऑर्गेनाइजेशन है, एक तरीके का फंड है जो कि यूनेस्को के साथ में मिलकर एक गवर्नमेंट ने क्या किया है, गेमिंग ई लर्निंग हब बनाया है बच्चों के लिए। तो ऐसा करने वाली कौन सी गवर्नमेंट है, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट है। तो आपका जो आंसर होगा वो आपका डी इसका सही आंसर होगा। तो यहाँ पे इन्होंने गेमिंग फॉर ई लर्निंग हब बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जस्टिस सवंतेटर कुमार चेयरमैन बनाए गए कौन से इंस्टीट्यूट के। तो NGT के जो चेयरमैन है जस्टिस सवंतेटर कुमार, उन्होंने रिटायर हो गए हैं वो रिसेंटली। और बात करें नए के तो नए भी हम अभी डिस्कस करेंगे, लेकिन जो NGT के पहले चेयरमैन थे वो कौन थे, सवंतेटर कुमार थे। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होना चाहिए वो NGT होना चाहिए, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। तो जिसके पहले चेयरमैन कौन थे, जस्टिस सवंतेटर कुमार थे। नेक्स्ट है कि कौन से स्टेट के अंदर कैबिनेट ने अप्रूव किया है प्रोजेक्ट इंडियन नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्ट यूनिवर्सिटी बनाने को लेकर। तो इंपॉर्टेंट सवाल है, भारत का पहला नेशनल रेल और ट्रांसपोर्ट यूनिवर्सिटी बनेगी और ये कहाँ बनेगी, वडोदरा के अंदर बनेगी। कहाँ पर है वडोदरा, गुजरात के अंदर है। तो आपका जो आंसर है वो इसका सी सही आंसर है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पेपर के लिए। साथ में सेंट्रल फाइनली गिव्स ग्रीन नोट फॉर कलेश्वरम लिफ्ट इरीगेशन स्कीम प्रोजेक्ट, दिस प्रोजेक्ट इज रिलेटेड टू विच वन ऑफ द फॉरेन स्टेट। तो सेंट्रल ने काफ़ी मशक्कत के बाद में फाइनली ग्रीन नोट दे दी है KLSI प्रोजेक्ट को। ये प्रोजेक्ट कौन से स्टेट से बिलोंग करता है, तो KLSI प्रोजेक्ट कौन सा है, कलेश्वरम लिफ्ट इरीगेशन स्कीम है।
जो कि तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट करी गई थी, उसके लिए उसे क्या था ग्रीन नोट की जरूरत थी सेंट्रल गवर्नमेंट की। तो आपका जो आंसर है वो ए इसका सही आंसर है, तेलंगाना। तेलंगाना के आपको पता ही है गवर्नर कौन है, नरसिम्हन, साथ में चंद्रशेखर राव वहाँ के सीएम है। तो ये सब आपको ध्यान रखना है और आपका आंसर क्या होगा, ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है कि कौन से सेक्टर के लिए यूनियन गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है 1300 करोड़ स्किल डेवलपमेंट स्कीम रिकवर करने के लिए जीएसटी और डिमोनेटाइजेशन के इफेक्ट्स है। तो देखिए फ्रेंड्स, भारत देश चाहता है कि जो टेक्सटाइल सेक्टर है ना, इसके अंदर हमेशा डेवलपमेंट होता रहे, क्योंकि यहाँ से काफ़ी लोगों को रोजगार मिलता है। तो इसी सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए सेंटर ने क्या किया, 1300 करोड़ रुपए की स्कीम इम्पार्ट करी है, और जिससे मिलियंस ऑफ पीपल को काफ़ी होगा फायदा मिलेगा और यहाँ पे काफ़ी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी और काफ़ी लोगों को जॉब्स मिलेगी। तो एक टेक्सटाइल सेंटर है जिसके लिए 1300 करोड़ रुपए जारी करे गए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि जो यहाँ पे नुकसान हुआ है जीएसटी की वजह से, डिमोनेटाइजेशन की वजह से, उन सभी से रिकवर ये हो सके इंडस्ट्री। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा, टेक्सटाइल सेक्टर डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोजेक्ट हैज बीन डिसाइडेड टू लॉन्च बाय मिनिस्टर ऑफ रेलवे विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ सिग्निफिकेंटली इंप्रूविंग द पैसेंजर एक्सपीरियंस अक्रॉस 9 डायमेंशंस। तो कौन सा प्रोजेक्ट स्टार्ट करा गया है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा, ताकि जो पैसेंजर एक्सपीरियंस है 9 डायमेंशंस के पे वो अच्छे हो सके। तो ऐसा करने वाला कौन सा प्रोजेक्ट है जो कि स्टार्ट किया गया है, देखिए मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने जो प्रोजेक्ट स्टार्ट किया ना, तो ये इसका नाम रखा गया है सुवर्ण प्रोजेक्ट इसका नाम है, जिसके अंदर क्या होगा कि 9 जगह डायमेंशंस के ऊपर काम किया जाएगा और रेलवे की जो फैसिलिटीज़ है ना उनको इम्प्रूव करी जाएगी। तो यहाँ पे जो आपका आंसर है बी इसका सही आंसर है। टोटल 14 राजधानी 15 शताब्दी ट्रेन के अंदर ये सभी चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया जाएगा और 50 लाख रुपये पर रैक लगाए जाएंगे अपग्रेडेशन को लेकर इस स्कीम के अंदर, सुवर्ण स्टैंडर्ड को लेकर। नेक्स्ट आपसे के लिए इंपॉर्टेंट है, 17th इंडियन साइंस कम्युनिकेशन कांग्रेस कहाँ पर हुई है, तो ये हुई है न्यू दिल्ली के अंदर। तो आपका जो आंसर है वो ई इसका सही आंसर है, जहाँ पर 300 साइंटिस्ट कम्युनिकेटर्स 17 इंडियन साइंस कम्युनिकेशन कांग्रेस के अंदर पहुंचे हैं। तो इंपॉर्टेंट इवेंट था जो कि न्यू दिल्ली के अंदर हुआ है। नेक्स्ट आपके सामने 3 स्टेटमेंट आपको बताना है कौन सा सही है। अब आपको यहाँ पर दर्पण प्रोजेक्ट को लेकर ध्यान रखना है। अब देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट लॉन्च किया है दर्पण प्रोजेक्ट, जो कि इम्प्रूव कर रहा है क्वालिटी ऑफ सर्विस, सर्विस की क्वालिटी को इम्प्रूवाइज करने को लेकर इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया गया है। और इसको दर्पण का पूरा नाम क्या है, डिजिटल एडवांसमेंट ऑफ रूरल पोस्ट ऑफिस फॉर ए न्यू इंडिया। जो रूरल पोस्ट ऑफिस है ना उनको डिजिटलाइज करने को लेकर न्यू इंडिया के अंदर इस प्रोजेक्ट को चलाया गया है। और इसका एम क्या है कि जो रूरल पॉपुलेशन है उनको टारगेट किया गया है कि उनको कैसे जितना हो सके डिजिटली अपग्रेड कर सके। तो यहाँ पे जो आपके तीनों स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है और आपका जो आंसर होगा यहाँ पे डी इसका सही आंसर होगा। तो जो क्वालिटी है सर्विस की, वैल्यू है सर्विस की, उस चीज़ को लेकर इसको स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट है, कौन सी सिटी के अंदर एक रीजनल कॉन्फ्रेंस हुई है गुड गवर्नेंस एंड एप्लीकेशन ऑफ बेस्ट प्रैक्टिस, ये आपको बताना है। तो देखिए ये जो कॉन्फ्रेंस हुई है ना, ये कहाँ पे हुई है, गुवाहाटी के अंदर हुई है। तो यहाँ पे आपका जो आंसर है वो सी सही आंसर है, रीजनल कॉन्फ्रेंस है गुड गवर्नेंस एंड एप्लीकेशन ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिस, जो कि गुवाहाटी में हुई है। और डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवेंसेज, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेज एंड पेंशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोलैबोरेशन किया गवर्नमेंट ऑफ आसाम के साथ में। और ये कहाँ हुई है, आसाम की जो कैपिटल है दिसपुर, उसके पास में गुवाहाटी है, वहाँ पर इसको कॉन्फ्रेंस को कराया गया है। नेक्स्ट है, इन विच स्टेट द इंडियन आर्मी सदर्न कमांड कंडक्टेड एक्सरसाइज हमेशा विजयी। तो एक हमेशा विजयी नाम की एक एक्सरसाइज है जो कि कंडक्ट कराई गई है इंडियन साउथ कमांड के द्वारा, आर्मी के द्वारा। तो ये कौन से स्टेट में कराई गई है, तो हमेशा जैसे कि आपको पता ही है कि ज़्यादातर जो हमारी मिलिट्री की एक्सरसाइज होती है वो राजस्थान में होती है। तो यही भी आपका जो आंसर है वो क्या होगा, राजस्थान होगा। तो राजस्थान के डेजर्ट के अंदर कैपेबिलिटी बढ़ाने को लेकर आर्म फोर्सेज की ये जॉइंट ये जो एक्सरसाइज है इसको कंडक्ट कराया गया बाड़मेर और जैसलमेर के अंदर। तो आपका यहाँ पे जो आंसर है वो आपका ई इसका सही आंसर है। अब देखते हैं बिजनेस रिलेटेड इंपॉर्टेंट न्यूज़, जो कि आपसे के लिए इंपॉर्टेंट है। कौन से देश ने डिसाइड किया है कि वो क्या करेगा, वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर फॉर पुअर वुमेन एंड यूथ इन राजस्थान बैरन डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्या करेगा, कंस्ट्रक्शन का काम करेगा। तो देखिए रिसेंटली क्या हुआ है कि जो जापान है उसने ऑफर किया है ग्रैंड पैसा ऑफर किया है वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर सेटअप करने को लेकर कहाँ पे, राजस्थान के अंदर। तो जापान ने डिसाइड किया है कि वो 8.4 मिलियन येन, जो वहाँ की येन क्या है, जापान की करेंसी है, टोक्यो वहाँ की कैपिटल है और शिंजो एबे वहाँ के प्राइम मिनिस्टर है। तो ये तीनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो उन्होंने क्या किया, राजस्थान में वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर को मदद करी है और करने वाला कौन सा देश है, जापान है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। साथ में बहुत लोगों के लिए जान के बड़ा अजीब लगेगा कि येन जो करेंसी है वो हमारे देश की करेंसी से भी कम है, यानी कि अगर एक रुपया हमारा इज इक्वल्स टू 1.70 येन, हमारे 100 रुपये और 170 रुपये जापान के बराबर होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं,
MDR charges on transaction up to rupees 2000 made through debit card, Bheem UPI and Aadhaar enabled payment system will be borne by government to promote digital transition. MDR is this stand for. तो आपको पता ही अभी जो रिसेंटली क्या हुआ कि MDR के जो चार्जेस है ना 1 जनवरी से वो नहीं लगेंगे. MDR क्या होता है, मर्चेंट डिस्काउंट रेट होता है. मर्चेंट डिस्काउंट रेट ये कुछ 1% के आसपास होता है, 1-2% के आसपास, जो कि आपसे लिया जाता है जब भी आप क्या करते हो क्रेडिट कार्ड से कभी भी हमेशा पेमेंट करते हो. तो अगर आप जब 1 जनवरी के बाद में आप 2000 रुपये तक की अगर कोई शॉपिंग करते हैं और आप पे करते हैं डेबिट कार्ड के द्वारा, भीम ऐप के द्वारा या फिर आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम के द्वारा, तो आपके 2000 रुपये के अंदर है ना MDR चार्जेस नहीं लगेंगे. ऐसा क्यों किया गया, ताकि क्या हो सके डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ावा मिल सके. तो अगर आप 2000 रुपये की शॉपिंग करते हैं तो आपके नियर बाय 20 या 25-30 रुपये आपके बच सकते हैं 1 जनवरी के बाद में. तो आपका जो यहाँ पे आंसर होगा वो क्या होगा, मर्चेंट डिस्काउंट रेट, यानी कि ए इसका सही आंसर होगा. नेक्स्ट आपके सामने 3 स्टेटमेंट है, जैसे कि सीमलेस मूवमेंट ऑफ गुड्स हमारे स्टेट के अंदर चले इसलिए GST काउंसिल ने डिसाइड किया है कि वो एक इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट परमिट बनाएगा जो कि कंपलसरी होगा इंटर स्टेट मूवमेंट को लेकर. सेकेंड है कि ये जो ई वे बिल सिस्टम होगा ना ये अवेलेबल होगा ट्रायल बेसिस के ऊपर, कब से, 16 जनवरी से. और ये कहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जाएगा, नेशनल जो ई वे बिल सिस्टम है वहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा. तो देखिए फ्रेंड्स तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, 1 फरवरी से इसको लेके आने की बात करी जा रही है, 16 जनवरी से इसको क्या होगा ट्रायल बेसिस पे होगा. तो ये सभी स्टेटमेंट आपके सही है और आपका जो आंसर है वो इसका डी सही आंसर होगा. नेक्स्ट है, कौन सी टेलीकॉम कंपनी ने आधार लिंक्ड ई KYC सर्विस को सस्पेंड कर दिया है UIDAI के द्वारा. तो UIDAI यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उन्होंने एक टेलीकॉम कंपनी के आधार लिंक्ड ई KYC सर्विस को सस्पेंड कर दिया है मिसयूज करने को लेकर, एलिगेशन लगाए गए हैं मिसयूज को लेकर. अब देखिए ऐसा करने वाला कौन सी कंपनी है जिसके ऊपर ऐसा किया गया है, वो एयरटेल के ऊपर किया गया है, एयरटेल और एयरटेल बैंक है ना जो, दोनों के ऊपर किया गया है. तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो भारतीय एयरटेल होगा, जिनके ऊपर टेम्परली सस्पेंड कर दिया गया है UIDAI के द्वारा. UIDAI देखिए सबसे पहले जो इसके हेड बनाए गए थे वो नंदन निलकली जी बनाए गए थे और राइट नाउ उसके CEO कौन है, अजय भूषण पांडे जी इसके CEO है. तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, 2009 के अंदर इस अथॉरिटी को एस्टैब्लिश किया गया था. सो फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज इमर्ज द लेटेस्ट एंट्रेंट ऑन द RBI इन हिट लिस्ट फॉर वायलेशन ऑफ नॉर्म्स. सो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे 4 और 5 ऑप्शंस आपके पास में अवेलेबल है और RBI ने क्या किया है, लेवी किया है 5 करोड़ रुपये की पेनल्टी एक बैंक के ऊपर. ये आपको बताना है कि कौन से, ध्यान रखना है आपको कि कौन से बैंक के ऊपर ये पेनल्टी लगाई गई है. तो जैसे कि हर वीक किसी न किसी बैंक के ऊपर पेनल्टी लगती है, इस बार सिंडिकेट बैंक के ऊपर ये पेनल्टी लगाई गई है क्योंकि उन्होंने जो KYC जो उनके नॉर्म्स है RBI के उनको फॉलो नहीं किया है, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के नॉर्म्स भी उन्होंने फॉलो नहीं करे हैं, इसके वजह से उनके ऊपर 5 करोड़ रुपये की पेनल्टी लगाई गई है. तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वो ई इसका सही आंसर है. और साथ में सिंडिकेट बैंक के बारे में आपको पता होना चाहिए, इंडिया का ओल्डेस्ट और मेजर कमर्शियल बैंक है. इसको स्टार्ट किया गया था फ्रेंड्स किसके द्वारा, TMA पाई, उसके अलावा उपेंद्र पाई और साथ में वेकम कुदवा, इनके द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था. और पहले इसका नाम था कैनेडा इंडस्ट्रियल एंड बैंकिंग सिंडिकेट लिमिटेड और ये 13 मेजर कमर्शियल बैंक में से एक था जिसको 1969 में नेशनलाइज किया गया. और राइट नाउ इसका हेडक्वार्टर की बात करें तो जो मणिपाल है कर्नाटका में वहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है. तो ये सब आपको ध्यान रखना और इसका जो आंसर है वो ई इसका सही आंसर है. नेक्स्ट है, कौन से देश ने ओवरटेक कर लिया है सऊदी अरेबिया को फॉर द फर्स्ट टाइम टू बिकेम इंडियाज टॉप क्रूड ऑयल सप्लायर इन द करंट फिस्कल. तो कौन सा देश है जिसने सऊदी अरेबिया को पीछे छोड़ दिया है हमारे देश में ऑयल को सप्लाई करने को लेकर. तो ऐसा करने वाला कौन सा देश है, इराक है. इराक ने ओवरटेक कर दिया है सऊदी अरेबिया को और हमारे देश में सबसे ज़्यादा जो सप्लायर बना है क्रूड ऑयल का अब वो बन गया है इराक. तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो उसका डी सही आंसर होगा. साथ में इराकी कैपिटल क्या है, बगदाद, ये भी आपको ध्यान रखना है. और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जो कि आपके सामने 3 स्टेटमेंट है आपको बताना है कि यस बैंक और यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक ने कोफ्रेंस किया है 400 मिलियन USD फंडिंग जारी करी है किसके लिए, रेन्यूएबल पावर जनरेशन के लिए देश के अंदर. और इसके अंदर क्या होगा कि कई सारे जो सोलर प्रोजेक्ट्स हैं राजस्थान में, महाराष्ट्र में, कर्नाटका में, उनको आइडेंटिफाई करके उनको क्या किया जाएगा, इस्टेब्लिश किया जाएगा. और ये लोन जो है वो 15 साल के लिए दिया गया है 200 मिलियन USD का. तो यहाँ पे देखिए जो तीनों स्टेटमेंट है तीनों ही बिल्कुल सही है और आपका जो आंसर होगा वो डी इसका सही आंसर होगा. यस बैंक के बारे में आपको पता होना चाहिए, राणा कपूर के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था, हेडक्वार्टर जो है वो भी मुंबई में है और अभी CEO इसके राणा कपूर ही है. तो और यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, यस बैंक ने यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक के साथ में ये करार किया है. नेक्स्ट है, फाइनेंशियल एग्रीमेंट हुआ है किसके बीच में, IDA क्रेडिट के बीच में, जो कि स्किल को डेवलपमेंट को लेकर प्रोजेक्ट्स को साइन किया है जिसका नाम है इंडस्ट्रियल वैल्यू एनहेंसमेंट ऑपरेशन.
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और वर्ल्ड बैंक ने साइन किया है, और ये क्या इम्प्रूव करेगा कि जो वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसको इम्प्रूव करेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, तीनों ही बिल्कुल सही हैं, और आपका जो आंसर होगा यहाँ पे भी डी सही आंसर होगा, क्योंकि इंडिया ने साइन किया है फाइनेंशियल एग्रीमेंट वर्ल्ड बैंक के साथ में 125 मिलियन USD का। वर्ल्ड बैंक के बारे में मैं कई बार डिस्कस कर ही चुका हूँ आपसे, दो बैंक मिलके वर्ल्ड बैंक बनते हैं, एक तो IDA और एक IBRD। IDA लो इनकम देशों को लोन देता है और IBRD मिडिल इनकम देशों को लोन देता है। जिम योंग यहाँ के हेड है, हेडक्वार्टर कहाँ पर है, वॉशिंगटन DC के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट है RBI ने PCA कौन से बैंक के अगेंस्ट लगाया है। PCA होता है प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, तो ऐसा करने के लिए करा किसके साथ में है, तो ये आपको जो बताना है वो आपके बैंक का नाम बताना है। तो देखिए बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है कि RBI ने क्या किया, इनिशिएट किया है प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन अगेंस्ट द लैंडर ओवर हाई बैड लोन्स। तो बैंक ऑफ इंडिया आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, जिन्होंने ऐसा कहा है RBI को लेकर। तो कई सारे जो NPA इंक्रीज हो रहे हैं, CIT1 इंक्रीज हो रहे हैं, ROA यानी कि जो नेगेटिव रिटर्न ऑन असेट्स है वो इंक्रीज हो रहे हैं, तो उन सभी को लेकर ये PCA जारी किया है RBI के द्वारा बैंक ऑफ इंडिया को लेकर। नेक्स्ट है कॉन्स्टेंट इंस्टीट्यूट ने अप्रूव किया है 40 मिलियन USD टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए UP के अंदर। तो वर्ल्ड बैंक ने ही अप्रूव किया है फ्रेंड 40 मिलियन USD लोन UP टूरिज्म प्रोजेक्ट को लेकर। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो वापस से वर्ल्ड बैंक होगा, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं। तो टूरिज्म को बढ़ावा देने को लेकर यूपी ने ऐसा किया है। नेक्स्ट है कौन से प्लान के अंदर गवर्नमेंट ने 50,000 करोड़ रुपये पब्लिक सेक्टर बैंक को दिए हैं। तो देखिए पब्लिक सेक्टर बैंक को बढ़ावा देने को लेकर अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले गवर्नमेंट ने इंजेक्ट किए थे काफ़ी सारे पैसे, और ये इस प्लान का नाम क्या था, इंद्रधनुष इस प्लान का नाम था। अब देखिए दो तरीके के नाम है इंद्रधनुष स्कीम के, एक तो ये वाला है और एक इंद्रधनुष क्या है, जो 7 जो डिजीजेज हैं डिप्थेरिया और जो बाकी थे टिटनेस, इन सबको इम्यूनाइज करने को लेकर भी ये प्रोग्राम काफी 2-3 साल पहले चलाया था इंद्रधनुष, मिशन इंद्रधनुष उसका नाम था। मिशन इंद्रधनुष पूछा जाए तो आपको हेल्थ से ध्यान रखना है, और इंद्रधनुष पूछा जाए प्लान तो आपको बैंक से ध्यान रखना है। तो दोनों ही प्लान आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं अपॉइंटमेंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन प्रेसिडेंट बनाए गए IOA के, IOA क्या है, इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन। तो देखिए जो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के जो चीफ है ना नरेंद्र बत्रा, उनको ही वापस से अपॉइंट किया गया है प्रेसिडेंट, किसके, IOA के, जो यानी कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा, नरेंद्र बत्रा यहाँ पे आपका सही आंसर होगा। चेक रिपब्लिक के जो चेक रिपब्लिक है उसके प्राइम मिनिस्टर कौन अपॉइंट करे गए हैं रिसेंटली। तो देखिए जो चेक रिपब्लिक के जो बिलियनियर बिजनेसमैन है एंड्रे बेबिस, उनको अपॉइंट किया गया है वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो 20 का सही आंसर होगा, और उनको नियर बाय 30% वोट भी मिले हैं। चेक रिपब्लिक की जो कैपिटल है वो क्या है, प्राग, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट एम्बेसडर कौन बनाए गए इंडिया टू सूडान, वो रविंद्र जायसवाल जी बनाए गए हैं। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा ए इसका सही आंसर होगा। एम्बेसडर इंडिया टू माली, ये अपॉइंट करे गए हैं PK गुप्ता जी। तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, डी इसका सही आंसर होगा, प्रदीप कुमार गुप्ता जी अपॉइंट करे गए हैं एम्बेसडर इंडिया टू माली, और माली की कैपिटल क्या है, वो है बामाको। माली कहाँ पर है, अफ्रीकन देश है, सूडान के पास में, निगर के पास में आई है, निगर के पास में है, और बामाको वहाँ की कैपिटल है और सबसे बड़ी सिटी भी है। चिली के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन किन्होंने जीते हैं, तो चिली के जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है वो सेबेस्टियन पिनेरा ने जीते हैं। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो 20 का सही आंसर होगा। चिली में इलेक्शन हुए हैं और वहाँ के कंजर्वेटिव के फॉर्मर प्रेसिडेंट जो थे सेबेस्टियन पिनेरा, उन्होंने वो इलेक्शन जीत लिए हैं। नेक्स्ट है नए चांसलर कौन है ऑस्ट्रिया के, तो नए चांसलर वो कौन बनाए गए, यूरोप के जो यंगेस्ट लीडर है सेबेस्टियन क्रूज, उनको वहाँ का ऑस्ट्रिया का न्यू चांसलर अपॉइंट किया गया है। तो आपका जो आंसर होगा वो ई इसका सही आंसर होगा। ऑस्ट्रिया की कैपिटल सभी को पता ही है वियना क्या है, वहाँ की कैपिटल है। साथ में NGT के नए अभी रिसेंटली एक्टिंग चेयरपर्सन कौन बनाए गए, मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, अभी एक पर्सन ने रिजाइन किया था, और जो अभी एक्टिंग बनाए गए हैं वो कौन बनाए गए, जस्टिस सालवे बनाए गए हैं। तो आपका जो आंसर है वो ई होगा, जिनको NGT की कमान अभी रिसेंटली सौंपी गई है रिटायरमेंट के बाद में, किसके, स्वातेंद्र कुमार के रिटायरमेंट के बाद में। अब देखते हैं अवार्ड्स रिलेटेड, मिस्टर इंडिया वर्ल्ड 2017 टाइटल किन्होंने जीता है। तो ये जो लखनऊ के जो जितेश सिंह हैं उन्होंने ये टाइटल जीता है मिस्टर इंडिया वर्ल्ड 2017। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो जितेश सिंह होगा, ये आपका सही आंसर है। तीन स्टेटमेंट है आपको बताना कौन सा सही है। इमिनेंट बंगाली पोएट है जॉय गोस्वामी, उनको मूर्ति देवी अवार्ड दिया गया है 2017 का। किस चीज़ के लिए मिला है, कलेक्शन को लेकर मिला है, दो दुआएं फुवारा मैत्रो के नाम के वजह से, और ये अवार्ड है उसमें सरस्वती का स्टैचू मिलता है, सिटेशन प्लेट मिलता है, और कैश अवार्ड मिलता है 4 लाख रुपए का। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो स्टेटमेंट है ना
वो काफ़ी हद तक बिल्कुल सही है। और आप देख सकते हैं कि जो 31st मूर्ति देवी अवार्ड मिला है 2017 का, वो बंगाली पोएट जो है जॉय गोस्वामी उन्हीं को मिला है। तो ए बिल्कुल सही है, दूसरा भी सही है, इसी पोएट के लिए मिला है, और तीसरा भी बिल्कुल सही है। तो आपके जो आंसर होंगे वो डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, कौन सेलेक्ट करे गए इस साल के श्रीलाल सुखय समिति IFFOCA सत्या सम्मान के तौर पर, जो कि इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजेशन कॉपरेटिव लिमिटेड देती है। तो देखिए, रामदेव धुरंधर को ये अवार्ड मिला है श्रीलाल शुक्ला स्मृति IFFCO साहित्य सम्मान। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा, रामदेव धुरंधर होगा। और आपके इस वाले क्वेश्चन से ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है ना, वो ये वाला ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मूर्ति देवी का, मूर्ति देवी हुआ और जितने भी भारत में जो लिटरेचर के अवार्ड है ना, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। वैसे ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ वर्ड ऑफ 2017 ये चुना गया है यूथ क्वैक। तो ए इसका सही आंसर है, यूथ क्वैक जो ये वर्ड है ये उन लोगों के लिए जो कि बहुत ज़्यादा यूथ के जो हाई लेवल ऑफ एनर्जी होती है यूथ के अंदर, उस चीज़ को लेकर है। नेक्स्ट है, BBC ओवरसीज स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको मिला है रिकॉर्ड 4th टाइम। तो वापस से ये अवार्ड किसको मिला है, रॉजर फेडरर को मिला है BBC ओवरसीज स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर। तो आपको पता ही है रॉजर फेडरर लेजेंड है टेनिस के अंदर, और इससे पहले 3 बार उनको मिल चुका था, और 3 बार मोहम्मद अली और उसेन बोल्ट को भी अवार्ड दिया जा चुका है। कौन सी एक्ट्रेस को मिला है फर्स्ट स्मिता पाटिल मेमोरियल अवार्ड, तो ये रेखा जी को दिया गया है। तो आपका आंसर होगा ई, रेखा जी को मिला है फर्स्ट स्मिता पाटिल मेमोरियल अवार्ड। नेक्स्ट आपसे जो इम्पोर्टेंट है वो है गोल्डन पिकॉक इनोवेशन मैनेजमेंट अवार्ड 2017 का, जो कि इनोवेशन माइंस के अंदर करने को लेकर दिया गया है। तो ये टाटा स्टील जो जोडा माइन है उसको ये अवार्ड मिला है। तो आपका जो आंसर है वो डी इसका सही आंसर है। तो टाटा स्टील जो जोडा माइन है वहाँ पे जो इनोवेशन है जो कि उन्होंने माइंस में किए हैं, उस चीज़ को लेकर ये अवार्ड दिया गया है। साथ में नेशनल डिज़ाइन अवार्ड किसको मिला है, ये सत्या रेड्डी को मिला है। तो आपका जो बी सही आंसर है इसका, तो सतीश रेड्डी जो साइंटिफिक एडवाइज़र है रक्षा मंत्री और डायरेक्टर जनरल मिसाइल एंड स्ट्रेटेजिक सिस्टम के, उनको ये प्रेस्टीजियस डिज़ाइन अवार्ड मिला है जो उन्होंने मिसाइल को लेकर बाकी सब चीज़ों को डिज़ाइनिंग करी है। अब देखते हैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन, कौन से ऐसे पर्सन हैं जिनको एशियन बॉक्सिंग कन्फेडरेशन बेस्ट यूथ बॉक्सर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है, जो कि ऑनलाइन पोलिंग करी गई थी। तो यहाँ पर जो उनका अवार्ड मिला है वो क्या मिला है, किनको मिला है, सिवेज को मिला है। तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ए इसका सही आंसर होगा, यूथ चैंपियन जो है सचिन सिवेज उनको ये अवार्ड मिला है एशियन बॉक्सिंग कन्फेडरेशन बेस्ट यूथ बॉक्सर ऑफ द ईयर का अवार्ड, जो कि ऑनलाइन पोल के द्वारा मिला है। तो 36% लोगों ने इनको पोल किया है। हाईएस्ट पेड एथलीट दुनिया में आज तक कौन से है, वो है माइकल जॉर्डन। अभी न्यूज़पेपर में काफ़ी आया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो दुनिया के आज तक के हाईएस्ट पेड एथलीट ऑफ ऑल टाइम की बात करें तो माइकल जॉर्डन है, उसके बाद में सेकेंड नंबर पर टाइगर वुड्स है। इंटरनेशनल व्हीलचेयर क्रिकेट टूर्नामेंट कहाँ पे कराया गया, ये कराया गया नेपाल के अंदर, नेपाल की कैपिटल क्या है, काठमांडू, आपको ध्यान रखनी है। तो इंटरनेशनल व्हीलचेयर क्रिकेट टूर्नामेंट कराया गया काठमांडू के अंदर। साथ में आपको बताना है कि जो सिल्वर मेडल किन्होंने जीता है BWF सुपर सीरीज फाइनल के अंदर, और वो फाइनल में हार गई जापान की टॉप सीड अकेने से, अकेने यामाकुची से। तो यहाँ पर देखिए सिल्वर मेडल जीतने वाले कौन है, PV सिंधु है, जो दुबई वर्ल्ड सीरीज सुपर सीरीज के फाइनल में पहुंची, और वहाँ पर इनको इनके जापान की टॉप सीडेड से हार का सामना करना पड़ा, लेकिन ये पहली भारतीय बन गई है जो कि अभी तक इसके अंदर फाइनल में पहुंची है। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट था। साथ में BBC टीम ऑफ द ईयर अवार्ड आपको बताना है, मैंने भी आपसे BBC ओवरसीज स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी की बात करी थी जो कि रोजर फेडरर थे, साथ में मैं स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी मोहम्मद फराह है। कोच की बात करें ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, और आपके लिए टीम इंपॉर्टेंट है जो कि इंग्लैंड की वुमेन क्रिकेट टीम है जिन्होंने इंडिया को हराया था फाइनल मैच के अंदर हमारे खुद के होम ग्राउंड के अंदर। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा ई इसका सही आंसर होगा, डी इसका सही आंसर होगा। साथ में जूनियर चैंपियन के बारे में बताना जिन्होंने अंडर 17-19 के टाइटल जीते हैं, तो बैडमिंटन जूनियर के अंदर आकाशश्री कश्यप ने 17 और 19 दोनों के टाइटल जीत लिए हैं गुवाहाटी के अंदर। तो बहुत ही गजब की परफॉर्मेंस दी है, अंडर 17-19 दोनों ही जीत लिए हैं। तो आपका आंसर क्या होगा यहाँ पे, जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा, आकाशश्री कश्यप आपका आंसर होगा। सो फ्रेंड्स, ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि 3rd week of December से थे। उम्मीद करता हूँ आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प आउट करेंगे। साथ में वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए, साथ में शेयर ज़रूर कीजिए ताकि फ्री के अंदर फ्रेंड्स जो फ्री एजुकेशन है उसका बढ़ावा मिल सके, सभी लोगों तक ये पहुँच सके। सो फ्रेंड्स, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।